नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ चली। यमुनानगर के जिला सचिवालय में एक रेप पीड़िता अपने परिजनों के साथ न्याय न मिलने की गुहार लगाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची। रेप पीड़िता के मुताबिक मामले को करीब 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया हुआ। उल्टा उसके भाई को आरोपी ने झूठे केस में फंसा कर जेल भिजवा दिया। मामला महिला थाना पुलिस के पास होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यमुनानगर जिले की एक रेप पीड़िता इंसाफ के लिए 2 साल से थानों के चक्कर काट काट कर थक चुकी है। आज वे थरथरा कर इस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए जिला सचिवालय पहुंची। आरोप है कि सतवेंद्र नामक शख्स ने योजनाबद्ध तरीके से उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जब वो 17.5 साल की नाबालिग थी और अब उसकी उम्र 19 साल हो चुकी है। उसने बताया कि उसकी एक सहेली ने उसे अपने घर पर बुलाया था, जहां पर सतवेंद्र भी मौजूद था। इस दौरान उसने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला दिया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, उसने उसका वीडियो भी बना लिया। इसके चलते वो उसे ब्लैकमेल करता रहा और उसके साथ कई बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। काफी समय बाद उसने अपने परिजनों को इसकी सूचना दी और ये मामला पुलिस थाने पहुंचा। लेकिन इसके बाद आरोपी सतवेंद्र उसे जान से मारने की और वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा और उसने उसके भाई के साथ मारपीट की। इस दौरान उसका भाई घायल भी हुआ, लेकिन उल्टा उसके भाई पर सतवेंद्र ने हमला करने के आरोप लगाए और उसे जेल भिजवा दिया। जो मामला उसने महिला थाने में दर्ज करवाया था, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। करीब 1.5 साल बीत जाने के बावजूद आरोपी अब तक सरेआम घूम रहा है और अब भी उसे आरोपी से जान का खतरा है। उन्होंने महिला थाना पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। वहीं पीड़िता का कहना है कि आज वे जिला पुलिस अधीक्षक के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंची हैं और उन्हें यकीन है कि अब उन्हें इंसाफ जरूर मिल पाएगा। आपको बता दें कि जैसे ही रेप पीड़िता जिला सचिवालय में पहुंची तो सूचना मिलते ही महिला पुलिस थाने के कर्मचारी और अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने रेप पीड़िता को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन उनका कहना था कि वे काफी समय तक महिला थाने के चक्कर काट चुकी हैं। अब उन्हें उन पर यकीन नहीं रहा और उन्हें यमुनानगर जिला पुलिस अधीक्षक पर भरोसा है कि वे उन्हें जरूर इंसाफ दिलाएंगे। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जॉली की रिपोर्ट। सर, एक लड़का है सतविंदर नाम का, हमारे पड़ोस में ही रहता है। और क्या कहते हैं, उसकी बहन ना मेरी फ्रेंड थी सतविंदर की, जिसके उसके वजह से हमारा एक दूसरे के पड़ोस के नाते हमारा एक दूसरे के घर आना जाना था। तो उसकी बहन मेरी फ्रेंड थी, तो उसने एक दिन अपने घर पे बुलाया कि तुझे मेरी बहन लता बुला रही है। तो उसने मेरे को, जब मैं उसके घर पे गई लड़के के, तो मैंने देखा वहाँ पे कोई नहीं था उसके घर पे। तो सर उसने कहा कि मेरी बहन लता भी आ रही है, तो इतनी देर में बैठ। उसने सर कोल्डी में कुछ ऐसा मिला के दिया मुझे, मैं अध भी होश हो गई वहाँ पे। फिर उसने सर पता नहीं उसने गलत काम किया मेरे साथ, और फिर उसने ना फोटो वायरल फोड़ने लग गया, धमकियाँ देने लग गया कि मैं तेरी फोटो वायरल कर दूंगा, तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा, मैंने तेरी वीडियो बनाई हुई है गंदी गंदी। तो ऐसे ऐसे बोलने लग गया सर, फिर बाद में भी धमकियाँ देता रहा और मेरे साथ ऐसे ही मुझे डरा धमका के मेरे साथ गलत काम करता रहा। मैं चुप रही, मैं कुछ नहीं बोल पाई। पर लेकिन सर उसने हद पार इतनी कर दिया ना, उल्टा मेरे भाइयों को भी वो कर रहा है वो, कि मैं अगर तू किसी को कुछ बताएगी कि मैं तेरे साथ गलत काम किया, मैं तेरे भाइयों को भी अंदर करवा दूंगा। और सर वही हो रहा है, उसने मेरे भाई को बेफजूल में अंदर करवाया, मैं वो जेल में पड़ा हूँ वहाँ पे। और उसको उस महिला थाने में भी रिपोर्ट दिया, एसपी पे भी दिया, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा हमें, मेरी उम्र 19 साल है, अभी पिछला महीना गया, मैं 19 साल की हुई हूँ। और जिस टाइम ये बात चल रही थी उस टाइम मैं नाबालिग थी, 17.5 साल की थी मैं उस टाइम थी। और उसने आपके भाई को किस केस में फंसवाया? वो उस केस में कि उसने उस लड़के के आपस में लड़के के साथ वो लड़ाई होगी थी, तो यहाँ पे उस लड़के के चोट लगी हुई है। ज्यादा चोट नहीं है, पर उन्होंने इतनी बड़ी बात बना दी उस चोट की, और मेरे भाई को अंदर तक करवा दिया उन्होंने और बोला है कि मेरे भाई की आँख फूट रखी है उस लड़के की। पर सर ये मेडिकल जो करवाए हैं, हमें मेडिकल कोई नहीं दिखाया और हमसे झूठ भी बोले गए उन लड़के वालों ने, सतविंदर और ने, कि हमारा लड़का PGI है चंडीगढ़। और सर वो PGI चंडीगढ़ कोई नहीं था, और उल्टा उसने मेरे भाई को यही वो करके जेल भिजवाया वहाँ पे। मतलब सतविंदर ने आपको, सतविंदर के घर वालों ने कहा हमसे थाने में कि हमारा लड़का एडमिट है वहाँ पे चंडीगढ़ PGI, और वहाँ पे भी अगर उन्होंने हमें ये बोला है कि अगर तुमने फैसला करना भी है तो हमें 1 लाख रुपए दे दो, और लड़की से कह दो कि अपना केस वापसी ले ले सारी जगह से, जहाँ जहाँ मैंने SP पे दिया है और महिला थाने में दिया है वहाँ पे भी उन्होंने यही कहा है। उल्टा मेरे भाइयों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उन्हें रोज धमकी मिल रही है कि क्या कहते हैं, मैं तेरे भाइयों को उठवा दूंगा अगर तुमने कोई मेरे ऊपर केस किया, मैं तेरे भाइयों को घर से उठवा दूंगा। एक भाई को मेरे घर से ही ले गए उठा के, जिसमें उसका कोई कसूर नहीं है। उल्टा 326 लगवाई हुई है उसके ऊपर, जिसमें लड़का अपनी दुकान पे बैठ के सारा काम कर रहा है और कह रहे हैं कि उसकी आँख फूट गई है। उसकी आँख कोई नहीं फूटी है। सतविंदर कहाँ का रहने वाला? सतविंदर हनुमान चट्टा मंदिर।
आप भी वहीं थे? हाँ जी, मैं भी वहीं की हूँ, पड़ोसी है हमारा। तो कब से जानते थे आप उसे? 2 साल हो गए। जाओ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।